ये फोटो स्टडी है कौन सी भला, इसमें अप्लाई कैसे करते हैं? यार दोनों अटेम्प्ट फेल हो गए, अब क्या करूं? यार क्वेश्चन ही नहीं आते, पैसे कितने मिलते हैं और कहाँ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि फोटो स्टडी से रिलेटेड मैंने पहले ही दो वीडियो बना दी हैं, जिसमें एक में मैंने इसके बारे में फुल डिटेल बताया हुआ कि ये क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पैसे कहाँ मिलेंगे, कितने मिलेंगे वगैरह वगैरह, सारी बातें हमने इस वीडियो में देखा होगा। और दूसरी वीडियो में फ्रेंड हमने इसका पूरा अप्लीकेशन प्रोसेस देखा होगा कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे और जो अप्लाई करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर फ्रेंड ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड। तो पहले जो दोनों क्वेश्चंस थे, क्वेरी थी हमारी, वो तो इन दोनों वीडियो से सॉल्व हो गए। अब बात आती है थर्ड क्वेरी की, जो है हमारी कुछ ये। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर हमें फोटो स्टडी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना है तो हमें सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, और उसके लिए हमारे पास सिर्फ दो अटेम्प्ट है, हमें दो अटेम्प्ट में सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करना होता है। और इन केस अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए, ये दोनों अटेम्प्ट आपके फेल हो गए तो क्या होगा? तो फ्रेंड आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा जो आईडी थी वो ख़राब हो गई, अब हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है फ्रेंड, हमारे पास एक लास्ट चांस बचता है। हाँ फ्रेंड हमारे पास एक लास्ट चांस बचता है, लेकिन फ्रेंड पहले सुन तो लीजिए कि उसके लिए हमें करना क्या होगा। तो फ्रेंड उसके लिए हमें सबसे पहले एक महीने का वेट करना होगा। हाँ फ्रेंड एक महीने का वेट, जैसे अगर आपने आज जो है दोनों अटेम्प्ट फेल किए तो आप सबसे पहले एक महीने तक वेट कीजिए, उसके बाद एक महीने के बाद आप एक अच्छा खासा मेल लिखिए जिसका सब्जेक्ट होगा रीसेट माई अकाउंट। रीसेट माई अकाउंट सब्जेक्ट का टाइटल देके एक मेल लिखिए, उसको इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, ठीक। और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको कुछ दिन बाद या एक या दो दिन के बाद, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा मेल आएगा, रिप्लाई मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको एक लास्ट चांस दिया जा रहा है, ठीक है ना फ्रेंड, है ना कमाल की बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड डाउट, अब चलते हैं हम देखते हैं फोर्थ डाउट। तो फ्रेंड आप में से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं, आप ये पीछे देख सकते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चंस मिलते हैं पर डे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं ना। लेकिन फ्रेंड आप कहते होंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन सबसे पहले कि फ्रेंड आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट टेस्ट पे अप्लाई करिए। आप खुद ही सोचिए फ्रेंड, अलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट टेस्ट है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है बेसिकली अलजेब्रा होता है, अगर इसको क्वालिफाई कर लिया तो आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन क्यों मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली सभी लोग अलजेब्रा क्वालिफाई करके बैठे रहते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो वो मोर बहुत सारे एक्सपर्ट के पास चला जाता है, तो आपको चांसेस कम मिल जाते हैं, वो भी आप नए, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करिए। अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट रहेंगे तो ज़्यादा चांस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, ये ही इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों जैसा कि आप में से बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या सच में फोटो स्टडी हमें पैसे देता भी है कि नहीं देता, तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे हमें सच में पैसे मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डे बाय डे मुझे जो है कुछ अच्छे खासे अमाउंट मिल जाते हैं, वीक बाय वीक भी मुझे अच्छे खासे अमाउंट मिल जाते हैं, और महीने की पहली तारीख को 15 तारीख को ये जो अमाउंट है जो मैंने पैसे कमाए ये ऑटोमेटिकली मेरे पेपाल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो है ना फ्रेंड काफ़ी आसान तरीका है पैसे कमाने का, हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, उससे जो हमें पैसे मिलेंगे उसको हमें कोई टेंशन नहीं लेना रहता है, वो महीने की पहली तारीख को 15 तारीख को ऑटोमेटिकली हमारे पेपाल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और वहाँ से ऑटोमेटिकली ही हमारे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाती है। तो है ना कमाल की चीज़, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये देखिए मैंने आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखा दिया जो शायद किसी यूट्यूब वीडियो पे अवेलेबल होगा, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है फोटो स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड।
लेकिन फ्रेंड अगर अभी तक आपने फोटो स्टडी पे अप्लाई नहीं किया यहाँ क्या कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके फोटो स्टडी पे अप्लाई करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी लिंक से क्यों अप्लाई करें, तो दोस्तों अगर आप इस लिंक से अप्लाई करेंगे तो जब आप सक्सेसफुली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको $10 एक्स्ट्रा मिलेंगे फ्रेंड। अब $10 इज इक्वल टू कम से कम 700 रुपये, तो इसका मतलब आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो इसको गंवाएं क्यों, इसीलिए आप मेरी ही लिंक से अप्लाई कीजिएगा जिससे कि आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल जाए। ठीक है ना फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।